आज का हम लोग का प्रश्न है, एक थैले में लाल गेंद और हरी गेंद का अनुपात 15:26 है। यदि थैले में 12 हरी गेंद और डाल दी जाती है, क्या किया, 12 गेंद और डाल दिया, तो लाल गेंद और हरी गेंद का अनुपात 1:2 हो जाएगा। थैले में कितनी लाल गेंद है, लाल गेंद का संख्या हम लोग को निकालना है, तो अनुपात दे रहा है लाल गेंद का और हरा गेंद का। लाल है 15 और हरा है 26, 15:26। 12 हरी गेंद डालने के बाद कौन सा गेंद डाल रहा है, हरा वाला गेंद डालेगा। हरा गेंद डालने के बाद नया अनुपात 1:2 हो जाता है, बोला नया अनुपात 1:2 हो जाता है। अब डाला गया हरा गेंद, तो लाल गेंद में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ हम लोग को दिख रहा है कि पहले लाल 15 था, अब 1 हो गया, तो 1 को हम लोग 15 बनाएंगे। 1 को 15 बनाने के लिए 15 से इसमें हम लोग गुना करेंगे, तो 15 से इस साइड में होगा तो 15 से दूसरे साइड में भी होगा। अब पहले था 26, अब हो गया 15 × 30, तो 26 के बाद 30 हो गया, तो बढ़ गया कितना हम लोग का, 4। अनुपात में 4 बढ़ा, लेकिन बोल रहा है कि कितना डाला गया था, 12, तो कह सकते हैं हम लोग कि 4 का मान 12, अनुपात में 4 और संख्या में 12, 4 का मान 12, तो 1 का मान 4 × 4, 4 × 3 = 12, यानी 1 का मान आ गया हम लोग का 3। थैली में कितनी लाल गेंद है, लाल गेंद का संख्या निकालना है, तो लाल कितना है 15 और 15 अनुपात में है, तो 1 का मान 3, तो 15 का मान 15 से गुना कर देंगे, 15 × 3 = 45। ऑप्शन नंबर सी हम लोग का आंसर हो जाएगा।